मुंगेर जिला बिहार की राजधानी पटना से करीब 175 किलोमीटर दूर है और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 1419 वर्ग किलोमीटर है। इसका उत्तरी किनारा खगड़िया से मिलता है तो इसके पूर्व में भागलपुर है, दक्षिण पूर्व में बांका तो दक्षिण पश्चिम में जमुई इसकी सीमा से लगता है। इसके अलावा इसके पश्चिम में लखीसराय और पश्चिमोत्तर में बेगूसराय है। वहीं दोस्तों, यदि आपको बिहार की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर BR01 नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप मुंगेर जिले की सुंदर धरती पर कदम रख चुके हैं। यदि हम इस जिले की न्यूमेरिक डेटा की बात करें तो साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 13,59,054 है। तो वहीं साक्षरता दर को देखें तो यहाँ के 73.3% लोग साक्षर हैं, जबकि सेक्स रेशो 1000 पुरुषों पर 879 महिलाओं का है। वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुंगेर एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है और यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या 91.56%, जबकि मुस्लिमों की आबादी 8.07% है। अन्य धर्म की बात करें तो यहाँ ईसाई 0.13% और जैन 0.01% है। मुंगेर वर्तमान समय में बिहार का एक उभरता हुआ जिला है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, खनन और उद्योग पर आधारित है और यहाँ चावल, मक्का, गेहूँ, चना, जौ, पलवल, आम, दलहन और तिलहन की ज्यादा खेती की जाती है। यहाँ के जमालपुर में भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी और पुरानी रेलवे कार्यशाला संचालित होती है, जिसकी स्थापना सन 1862 में अंग्रेजों ने की थी। मुंगेर में गन फैक्ट्री, सिगरेट कारखाना और ITC मिल्क डेयरी भी है, जो लोगों को रोजगार देती है। इसके अलावा यहाँ अभ्रक, स्लेट और चूना पत्थर का खनन होता है। मुंगेर जिले को 3 अनुमंडलों, मुंगेर सदर, हवेली खड़गपुर और तारापुर में बांटा गया है। वहीं यहाँ 101 ग्राम पंचायतें और 923 गांव हैं। मुंगेर जिले का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि हम जिले की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बात करें तो ये जिला सड़क मार्ग और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और वहीं यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। रेल मार्ग, इस जिले के निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम जमालपुर जंक्शन है, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है तथा ये साहिबगंज लूप, बरौनी साहिबपुर, कमालपुर, जमालपुर लाइन पर स्थित है। सड़क मार्ग, दोस्तों मुंगेर जिला नेशनल हाईवे 33 पर स्थित है, जो इसे बिहार तथा देश के बाकी हिस्सों से एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मुंगेर जिले का इतिहास। मुंगेर जिला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और कहा जाता है कि इस प्राचीन शहर की स्थापना स्थानीय ऋषि मुनि मुग्धल ने की थी, जो एक पहाड़ी पर रहते थे, इसलिए ये पुराने समय में मुंगेर मुग्धलगिरी के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसे मोदागिरी भी कहा गया, जो महाभारत में वर्णित एक स्थान का नाम है। शहर के कई पवित्र आख्यान महावीर और गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। ये शहर एक समन्वित धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं कि जिले में घूमने फिरने योग्य कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। पर्यटन के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण जिला है, जहां आपको कई प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक जगहें देखने को मिल जाती हैं। मुंगेर का किला मुंगेर जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था और अंग्रेजों के शोषण से बचने के लिए इस किले में मरम्मत कराकर इसे दुर्ग का रूप दे दिया था। यहाँ का कंपनी गार्डन भी बहुत फेमस है, जहाँ आपको बहुत सारे सुंदर फूल पौधे मिलेंगे। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से आपको यहाँ चंडी स्थान देखने को मिलेगा, जो प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। कष्टहरणी घाट के नजदीक सीता चरणा नदी में एक चट्टान है, जिस पर दो चरणों के निशान हैं। तो वहीं सीता कुंड गर्म पानी का झरना है, जो अपने आप में बहुत पवित्र और सुंदर जगह है। इन सब स्थानों के अलावा आप यहाँ ऋषि कुंड, गोयनका शिवालय, मछली तालाब, पीर शाह नूफा मकबरा, मीर कासिम का किला और शाह शुजा का महल भी देख सकते हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को खूब पसंद आता है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।